अच्छा आप ड्रामों के बारे में वैसे एक तबसरा करती रहती हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लापता पे आपने किया था इफ यू रिमेम्बर आयजा के कैरेक्टर को लेके जब उन्होंने दुकानदार के साथ कुछ एक सीन था हरासमेंट का तो जब आप ड्रामा देख रही होती हैं uh, और दिस इज द कॉन्वर्सेशन आई वाज गेटिंग टू बहुत सारी चीजें हमारे ड्रामों में ऐसी अनफॉर्चुनेटली दिखाई जाती हैं जो कि मैं yeah. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आर्के हैं पुराने जमाने की दकियानूसी किस्म की बातें हैं स्पेशली खुतन का पोर्ट्रोयल है उसको लेके तो Uh, when you're watching dramas do you at times feel that you need to be more vocal about these things because again you're yeah. in such a position of influence yes. where politics go hurt bhi, i think you somebody there issues ko highlight तो शायद लोग आपकी बात yeah, को टेंशन yeah. पे करें और सुने आई डू जो मुझे बिल्कुल ज़्यादा जाके चुप जाती है ना जो चीज़ें फिर वो उसके बारे में बात मैं ज़रूर करती हूँ बिकॉज आई थिंक कि जो ड्रामे होते हैं ना और जो उनमें स्टार्स होते हैं ना उनको हमारी पूरी कॉम फॉलो करती है यू नो वी हैव स्टार्स वी हैव आइकन्स यू नो हम बड़ा आइडली उनको वर्शिप करते हैं अगर वो कोई ऐसी चीज़ जो वैसी सोसाइटी में एक टैबू है या गलत हो रही है था कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ था, था उसके अंदर तो so एक ऑलरेडी ख़्वीन के हवाले से इतने इश्यूज़ आ रहे हैं तो अगर कोई स्टार लाइक आयजा खान उसको ऐसा कंटेंट दिया हुआ है वो कर देती है तो फिर लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे ना एंड अगेन एज अ स्टार ऑल्सो यू हैवे लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू योर कंटेंट एंड योर ड्रामाज एंड योर एक्टिंग आप एक बहुत सोशल सर्विस की भी मैसेज दे सकते हैं जो आपकी व्यूअर्स uh, को एजुकेट करेंगे एक ड्रामा था मुझे नाम याद नहीं आ रहा सज्जल अली का ड्रामा था तीन बेटियां थी उसमें बाप था वो एक उनका घर था इनहेरिटेंस के हवाले कुछ से कुछ कुछ अन कही वॉज अ वेरी गुड ड्रामा उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी समझदारी की थी एक तो ये है कि बेटियों की हवाले से यू डोंट हैव अ सन द इनहेरिटेंस फॉर योर डॉटर्स सेकेंडली द फैक्ट दैट वो जो उसमें उसकी बहन थी बेड़ी वाली

भाई शर्मिला फारूकी ने स्टेटमेंट दे दी है अगर वो सज्जल अली की जगह होती तो वो शहरियार मुनवर को चूज करती yes, है yes. बिलाल अब्बास खान इन कुछ हन कहीं यस yes.